student, we discuss about the biodiversity and biological diversity. It means the variety of living organisms present on a particular regions. Means किसी भी particular area में कितने टाइप के कितनी वराइटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. देर आर अबाउट 20 लाख ऑर्गेनिज्म नोन ऑन द अर्थ विच डिफर फ्रॉम अनदर इन एक्सटर्नल फॉर्म, इंटरनल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैबिट एक्सेट्रा. तो दैट वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. देन द अबंडेंस क्या है, नंबर ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज, हाउ अबंडेंट नंबर ऑफ प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर स्पीसी इन ए गिवन एरिया. मीन्स किसी भी स्पीसीज की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज के कितने नंबर है पार्टिकुलर एरिया में. अगर ज़्यादा वही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होते हैं एक एरिया में, तो उस एरिया में उस स्पीसीज की अवेयरनेस कहलाएगी. फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर हम कहते हैं, तो ये मान लो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और यहाँ पे ये ग्रासेस की डिफरेंट वैरायटीज है. तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है ग्रासेस की, अबाउट 10 वैरायटी है ग्रासेस की. तो यहाँ पे हम कहेंगे देयर इज मोर डाइवर्सिटी ऑफ द ग्रासेस इन दिस ग्रासलैंड इकोसिस्टम. अगर हम उसकी अवेयरनेस की बात करें, तो यहाँ पे जो है 3 स्पीसीज है ग्रासेस की केवल, लेकिन हर एक स्पीसीज के इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा है. मीन्स ज़्यादा इंडिविजुअल नहीं यहाँ पर, तो हर एक स्पीसीज के एक एक इंडिविजुअल थे. मीन्स अवेयरनेस बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पे हर एक स्पीसीज के ज़्यादा इंडिविजुअल है. मीन्स इन 3 स्पीसीज की अवेयरनेस यहाँ पर ज़्यादा है. तो नंबर अवेयरनेस इज द और रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज इन दैट एरिया और इन ए गिवन एरिया. इन तो किसी भी एरिया में किसी पार्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल की के नंबर कितने हैं, कम है तो अवेयरनेस कम होगी. अगर ज़्यादा नंबर ऑफ दैट स्पीसीज है तो अवेयरनेस ज़्यादा होगी. तो हम अवेयरनेस बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे थे. बायोडाइवर्सिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट में कितनी है बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे फिर पूरे ईयर्स जो है बारिश होती रहती है और वहाँ ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है. इसलिए वहाँ पे जो प्लांट की वेजिटेशन है वो ज़्यादा होगी. वेजिटेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे उस वेजिटेशन पे डिपेंड करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा होंगे. तो हैव द मोर डाइवर्सिटी. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करें, तो दीज आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दे कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ सरफेस. रेन फॉरेस्ट हाउस एन एस्टिमेटेड अबाउट द 50% ऑफ ऑल द लाइफ ऑन द प्लेनेट लैंड मैसेज. पूरी जो प्लेनेट पे है उसका 50% वेजिटेशन और जो पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो होती है रेन फॉरेस्ट में. 50% यहाँ पे इतनी वेरिएशन वैरायटी पाई जाती है रेन फॉरेस्ट में जितनी की पूरी धरती के ऊपर होती है, उसका 50% रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है. बिकॉज ऑफ द सूटेबल इन्वायरमेंट प्रेजेंट इन दैट रेन फॉरेस्ट. नो वन नो एग्जैक्टली हाउ मैनी स्पीसीज लिव इन द वर्ल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एस्टिमेटेड रेंज फ्रॉम 30 to 50 million स्पीसीज. लगभग 3 से 50 million स्पीसीज होती है रेन फॉरेस्ट में. एंड दिस अंडर डिस्प्यूटेड चैम्पियन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अमंग द वर्ल्ड इकोसिस्टम. दुनिया के सबसे सारे इकोसिस्टम में जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो चैम्पियन है बायोडाइवर्सिटी का. कंटेनिंग फॉर हायर नंबर ऑफ द स्पीसीज
on a per area basis related to the subtropical temperate and boreal ecosystem. इनकी अपेक्षा सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड बोरियल इकोसिस्टम की अपेक्षा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, मीन सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की वैरायटी पाई जाती है. फॉर एग्जांपल वेर टेम्परेट फॉरेस्ट आर ऑफन डोमिनेटेड बाई हाफ डजन ऑफ ट्री स्पीसीज और फ्यूअर मेक अप टू द 90% ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट. तो टेम्परेट फॉरेस्ट में तो केवल आधा दर्जन ही जो लगभग 6-7 स्पीसीज होती है ट्रीज की, और वो 90% उस एरिया में फैली होती है 6-7 स्पीसीज ही. लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें लगभग 480 ट्री स्पीसीज होती है एक सिंगल हेक्टेयर, मीन्स 2-2.5 एकड़ जमीन में 480 स्पीसीज मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में केवल 5-6 स्पीसीज होती है जो पूरे फॉरेस्ट में फैली होती है. तो इसका मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है प्लांट एज वेल एज एनिमल्स की. ए सिंगल बस इन द अमेजोन में भी है मोर स्पीसीज ऑफ आर्ट्स देन इंटायर ब्रिटिश आइलैंड्स. और वहाँ पे अगर एनिमल्स और इंसेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे आर्ट्स की स्पीसीज है वो पूरे ब्रिटिश में मिले इतनी स्पीसीज के उसमें मिल जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. दिस डाइवर्सिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इज नॉट ए हाजर्ड इवेंट बट इज ए रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ यूनिक सर्कमस्टेंसेस. ये बायोडाइवर्सिटी रेन फॉरेस्ट की बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सुटेबल इन्वायरमेंट है इसके कारण, मीन्स वाटर ह्यूमिडिटी एंड अदर लाइट कंडीशन आर सुटेबल फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो ये हम डिस्कस कर रहे थे हाउ उस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज हाउ वी कैन डिफाइन और वी कैन एक्सप्लेन द बायोडाइवर्सिटी एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो बायोडाइवर्सिटी उन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे अबंडेंस भी स्पीसीज की बहुत ज़्यादा है, मीन्स हर एक स्पीसीज के इंडिविजुअल है वो मोर नंबर्स में मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, मीन्स वहाँ पे मोर डाइवर्सिटी है एंड मोर द अबंडेंस ऑफ स्पीसीज ऑफ द प्लांट एज वेल एज एनिमल्स की स्पीसीज है.